नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ अपना क्लासरूम। दोस्तों, नए वर्ष है, नए ताल, नया लय के साथ आप सभी के सामने मैं योगी सर तैयार हूँ झारखंड का इतिहास को लेकर। तो आज से हम लोग जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेशन में झारखंड के इतिहास से संबंधित हम बातें करेंगे। नए साल में जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा अपनी रोशनी को नहीं देना छोड़ता, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो, तो उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालें और आप भी उस सूर्य और चंद्रमा को ध्यान में रखते हुए, उन तारों को, उन गैलेक्सियों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को इस तरह से करें कि नया साल हो, पुराना साल हो, मुझे तो सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि जैसे ही आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं, आपके सामने जो बाधाएं हैं वह छूमंतर हो जाती है। बाधाओं से जीतने का ही यह जरिया है कि किसी भी प्रकार के बाधा आए आपके जीवन में, तो उस बाधा से आप तभी निकल पाएंगे जब आपके पास ज्ञान हो, और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो हमने आज झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को ध्यान में रखते हुए इस सेशन में बात करेंगे झारखंड के इतिहास से संबंधित। और यहाँ से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है आपकी, यह क्लासेस पूरी तरह से झारखंड को, जो झारखंड लोक सेवा आयोग का द्वितीय पत्र है, पूरी तरह से उसे कवर करेगी और आपको उससे संबंधित जितने भी टॉपिक है उस सिलेबस में आपको जो जो टॉपिक है उसका लगातार वीडियोज अपलोड होते रहेंगे। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर किसी प्रकार के प्रश्न हो तो सवाल कमेंट बॉक्स पर लिख दें। तो यहाँ से अब मैं अपने क्लास को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास कहने का मतलब है जो इतिहास का जो परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार झारखंड कहाँ पर है और झारखंड में क्या क्या उपलब्धि थी इस दौरान और इस काल को हम किस प्रकार से विभाजन करेंगे। तो यहाँ विभाजन का मतलब है जैसे हम लोग भारत के इतिहास में विभाजन किए, या ऐतिहासिक विभाजन जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार का विभाजन हम यहाँ पर भी करके अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐतिहासिक विभाजन जैसे होती है हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, इस काल को हम अध ऐतिहासिक कहते हैं। यह काल जो होता है वह अध ऐतिहासिक काल होता है। अध ऐतिहासिक काल क्या है? अध ऐतिहासिक काल कहने का मतलब है जिस काल का हमारे पास कोई लिखित विवरण ना हो या लिखा गया हो और जिसे हम पढ़ के समझ ना पाया हो, उसे हम अध ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी काल में हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता भी आती है। वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक काल में आ जाती है क्योंकि उसकी कृतियाँ हमने पढ़ी, वेदों को हमने पढ़ लिया है, परंतु वेदों के पहले का जो काल है उस काल को हम अध ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में लिखित विवरण या तो उपलब्ध नहीं है, या अगर उपलब्ध हैं तो हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, या हमने उससे कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की हो। तो इस काल के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, इस काल को जानने के लिए स्रोत क्या है? तो इस काल को जानने के लिए हमारे पास जो स्रोत है वह पुरातात्विक स्रोत पर ही निर्भर। हमारा इतिहासकार इन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही इतिहास का लेखन करते हैं और काल का विभाजन करते हैं। किस प्रकार के औजार मिले, किस प्रकार के बर्तन मिले, कैसी वहाँ की संस्कृति रही होगी, क्या वे लोग जीवन यापन किस प्रकार से कर रहे थे, कच्चा खाना खा रहे थे, पका के खाना खा रहे थे, या खुदाई के दौरान जो जो हमारे औजार या बर्तन मिले उनके आधार पर उन्होंने इसको काल विभाजन किया गया है। तो हमारे झारखंड के इतिहास में इस सेक्शन में हम देखेंगे अध ऐतिहासिक, जिसे हम अध ऐतिहासिक भी लिख दें तो कोई गलत नहीं होगा, अध ऐतिहासिक काल। अध ऐतिहासिक काल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अध ऐतिहासिक काल यानी कि इस काल का कोई लेखा जोखा। झारखंड में अध ऐतिहासिक काल को हम सर्वप्रथम तीन भागों में बांटते हैं।
पहला भाग होता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो कालक्रम है वह 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। यह 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में लोग शिकारी प्रवृत्ति के थे, वे लोग शिकार करते थे, शिकार पर ही अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे, खाद्य संग्राहक होते थे क्योंकि उन्हें घुमंतू जीवन जीने के लिए अपने साथ भोजन को भी लेके जाना पड़ता था। यानी कि जो शिकार करते थे उन्हें संभाल के रखते थे और उन्हें ही भोजन के रूप में प्रयोग करते थे, यानी कि ये लोग खाद्य संग्राहक होते थे। कृषि का ज्ञान इस काल में नहीं था, आग का आविष्कार इस काल में हो चुका था परंतु आपका आग का उपयोग इन्हें नहीं आता था। आविष्कार हो चुका था परंतु आग का उपयोग इन्हें नहीं आता था, उपयोग का ज्ञान इन्हें नहीं था। इस काल के बारे में जो हमारे पास अवशेष मिले हैं वह कहाँ कहाँ से मिले हैं, यह आपका जानकारी का विषय है। तो हमारे पास जो अवशेष मिले हैं वह हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि जगहों से हमें पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। हजारीबाग में इस काल के जो मूर्ति थे उस प्रकार मतलब पूरा पाषाण की जो मूर्ति है वह इस काल में मिले हैं। इसके पश्चात इस काल का विभाजन अगर हम करते हैं तो 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक का काल को हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व के काल का हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल में लोग क्या कर रहे थे, इस काल में लोग पशुपालन सीख चुके थे, यानी कि पशुओं को किस प्रकार से पालतू बनाया जाए और उससे काम लिया जाए यह इन्हें जानकारी हो चुकी थी। तो इस काल में जो पशुपालन की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले जैसे जो दुधारू पशुए थे उनको पालना चालू किया, उसके बाद उन्हीं से जो मांस से संबंधित पशुए थी उन्हें भी पालना चालू किया। यानी कि कुल मिला के पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में यानी कि 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व के बीच में हो जाती है। तो इससे संबंधित जो स्थल है वह आपका दुमका में मिले हैं अवशेष, पलामू में, धनबाद में, पश्चिमी सिंहभूम में और पूर्वी सिंहभूम में। ध्यान रखेंगे पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर तीनों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के अवशेष इस जगह में हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जान लिया आप कि मध्य पाषाण काल जो 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व के बीच का काल है, इस काल को में लोग पशुपालन की शुरुआत कर चुके थे, यानी कि पशुओं को पालना चालू कर दिए थे। तो जब पशुपालन शुरू हो गई थी तो कृषि भी शुरू होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कृषि का जो शुरुआत होता है पशुपालन से ही होता है। आज देखेंगे कि पशुपालन जैसे मुर्गी पालन हो गया इसे भी एक कृषि के ही रूप में देखा जाता है वर्तमान परिदृश्य में, परंतु उस काल में ऐसा नहीं था। इसके पश्चात हमारे पास आता है नवपाषाण काल का घटना। जो नवपाषाण काल जो माना गया है वह 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं नवपाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, परंतु इससे घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि 10,000 ईस्वी पूर्व से भी जो शुरुआत होती है, देखिए संस्कृति जब किसी जगह में फैली हुई है तो वह एक जगह में एक ही समय में नहीं फैलती है, ठीक है। तो वह कहीं पर जल्दी डेवलप होते हैं, कहीं पर कम डेवलप होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे रांची सिटी की, तो रांची सिटी जितना डेवलप है उतना डेवलप पलामू नहीं है। पलामू के किसी गांव में अगर आज भी लोगों के पास बिजली व्यवस्था नहीं है तो यह नहीं कहा जा सकता है एक ही काल में उस जो पलामू का वह गाँव है उसे और रांची को हम तुलना कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि नवपाषाण काल जो होता है वह 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व हम मानते हैं, परंतु कहीं कहीं 10,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व भी लिखा हुआ होगा। परंतु इससे कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि अध ऐतिहासिक काल है, इसका कोई लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, उन्हीं स्रोतों के आधार पर ही हम बातें यहाँ पर करते हैं। तो इसमें नवपाषाण काल जो है 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक की घटना है और इस काल में क्या क्या होने लगी थी इस बारे में भी बात कर लेते हैं। इस काल में कृषि का शुरुआत हो चुका था, यानी कि कृषि कार्य करना चालू हो गए थे। हालांकि एक जगह बस के कर रहे थे या नहीं कर रहे थे इस बारे में नहीं पता, परंतु
कृषि कार्य शुरू हो चुका था, यानी कि कृषि कार्य अगर शुरू हो चुका था तो समाज भी बसना प्रारंभ हो चुका था और सामाजिक व्यवस्था भी लागू हो जाएगी। आग का जो आविष्कार वो लोग पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में कर लिए थे, परंतु इसका उपयोग अब वे लोग करने लगे थे। इस दौरान चाक का भी आविष्कार हो गया था और कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाने शुरू कर दिए थे। कुम्हारों के मिट्टी के बर्तन जो है उसी को अब लोग खाना बनाने में उसका प्रयोग करने लगे थे और उनमें स्टोर करने की जो क्षमता होती थी उस अनुसार स्टोर भी करने लगे थे। इसके पश्चात जो आता है कि हमारा छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल में जो मिला था वह हस्तकुठार जो मिला है छोटा नागपुर प्रदेश से, वह प्रदेश में ही हमारा जो रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम इन सभी जगहों में इस काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ध्यान रहेंगे कि हजारीबाग, बोकारो जो है इसमें आपका पूरा पाषाण काल का मिला है, परंतु रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में नवपाषाण काल का अवशेष मिले हैं। यानी कि जो अवशेष जो जिस प्रकार से मिले हैं, जहाँ मिले हैं, जो नवपाषाण काल के हैं या पूरा पाषाण काल के हैं, वो अवशेषों के आधार पर ही हमें बातें करनी है। तो नवपाषाण काल को भी हम तीन कालों में विभाजित करते हैं। तो क्या क्या तीन काल हैं? ताम्रपाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। तो इसे तीन युगों में हम विभाजित करके पढ़ाई करेंगे तो हमें उसकी सुविधा होगी। तो इस प्रकार से हम नवपाषाण काल को अध ऐतिहासिक काल में जो नवपाषाण काल है उसे हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो पहला भाग है ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल का जो कालक्रम है वह 4000 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में ही माना जाता है। इस काल में आपको याद होगा कि 4000 से 1000 ईस्वी पूर्व का काल जो है वह हड़प्पा कालीन भी होता है, यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व के काल के बाद इधर जो हमारा वैदिक सभ्यता शुरू हो गई थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हड़प्पा के तीनों लक्षण आपको मिल जाते हैं, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और पश्चात हड़प्पा, या ऐसे कहे पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और हड़प्पा के बाद का, वह तीनों काल यहाँ पर हमें दृष्टिगोचर होते हैं। यानी कि ताम्रपाषाण युग का जो काल है इस काल में हड़प्पा सभ्यता से हम इसे रिलेट करके देख सकते हैं और रिलेटेड होता है। तो सिंहभूम का जो क्षेत्र है, सिंहभूम का हमारा झारखंड का जो सिंहभूम का क्षेत्र है, यह इस काल का ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ के लोग जो असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति के लोग थे उन्हें तांबा गलाने की जो विधि है वह पूरी तरह से इन लोगों को पता था कि तांबा गलाने की जो प्रक्रिया है इससे अवगत थे। और ये लोग तांबा के जो ताम्र जो है उससे तांबा से कुल्हाड़ी बनाना भी चालू कर देते, क्योंकि हजारीबाग में इसके अवशेष हमारे पास मिले हैं, जो हमारे इतिहास पुरातत्ववेत्ता है उन्हें मिले हैं तांबा के कुल्हाड़ी। और हजारीबाग में जो तांबा के हैं उसमें खान भी मिले हैं। इसमें जो एक स्थान का नाम है उसे मैं लिखा नहीं हूँ, एक स्थान का नाम है हजारीबाग में, वह नाम है बाहरगंडा या बाहरगाड़ा जिसे बोलते हैं, बाहरगंडा। यहाँ पर से 49 जो है वो खदान जो है तांबा का खदान के बारे में हमें जानकारी यहाँ से मिली है। इसके पश्चात हम आते हैं कांस्य युग पर। जो कांस्य युग है यानी कि कांसे की प्रयोग करने का कला इन लोगों को आ चुका था इस दौरान। तो कांसा कैसे निर्माण होता है? कांसा निर्माण होता है तांबा और टीना से। और एक चीज़ आपको पता है कि मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का आविष्कार किया था वह तांबा ही था। तांबा और टीना को मिलाकर कांस्य बनाया जाता था और असुर, बिरजिया जो जनजाति है यहाँ के छोटा नागपुर के, उन जनजातियों को इस बारे में संपूर्ण जानकारी था कि किस प्रकार से इसे गलाया जाए और किस प्रकार से इससे औजार बनाया जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसे कांस्य औजारों का, जो कांसा का औजार था उसका प्रारंभ करता जो है असुर और बिरजिया जनजाति को माना जाता है। या इस लेवल पर नहीं, झारखंड के लेवल पर ही नहीं, बल्कि हमारे जो भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि असुर और बिरजिया जनजाति जो है वही कांस्य गलाते थे और औजार भी बनाते थे, और उनके जो औजार थे वह बहुत दूर दूर तक
सप्लाई भी किए जाते थे, यानी कि संपूर्ण भारत में इनके बनाए गए औजार का प्रयोग होता था। इसके पश्चात हमारे पास आ जाता है लौह युग। तो लौह युग का संबंध क्या है कि लौह युग में झारखंड जो है, झारखंड में जैसे कि हम लोग देखते हैं लौह युग में बहुत सारे खदान, आज भी हमारे पास लोहे के खदान हैं, और ये लोग जो है बिरजिया जनजाति लोग, ये यहाँ पर लोहे से उपकरण बनाने में दक्ष थे। ये असुर और बिरजिया जनजाति यहाँ लोहे के उपकरण बनाने में भी ये लोग दक्ष थे। और ऐसा भी माना जाता है कि जो झारखंड में निर्मित लोहे के औजार थे वो संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि मेसोपोटामिया और जो मिस्र की सभ्यता है उन सारी सभ्यताओं में इनके जो औजार हैं वह सप्लाई किए जाते थे। यानी कि यहाँ से जो व्यापार था वह मेसोपोटामिया तक भी किया जाता था। इस बारे में आपको जानकारी हमारे अवशेषों से मिलती है और यहाँ के मुद्राओं से मिलती है। तो हमने जो देखा झारखंड का अध ऐतिहासिक काल में, यानी कि इतिहास से पहले का जो काल है, इस काल में हमने जो देखा इसमें क्या क्या देखा इस बारे में एक रिव्यू कर लेता हूँ। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नव पाषाण काल 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नव पाषाण काल को हम तीन भागों में बांटते हैं, ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। यहाँ की जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वह शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, आग का आविष्कार हो चुका था, कृषि का ज्ञान नहीं था इस काल में। परंतु आग का आविष्कार होने के पश्चात भी आग का वे लोग उपयोग करना नहीं जानते थे। हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में इसका जो अवशेष मिले हैं, परंतु हजारीबाग में जो है पाषाणकालीन मूर्ति मिली है। यह आपका पूरा पाषाण काल का ओवरव्यू। मध्य पाषाण काल का में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी है। इसके अवशेष हमें दुमका, पलामू, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र से मिले हैं। इस प्रकार से नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी झारखंड में, आग का उपयोग हो गया था। आग का चूंकि आविष्कार पूरा पाषाण काल में भी हो चुका था, परंतु आग का उपयोग करना ये लोग नवपाषाण काल में सूखे। चाक का आविष्कार हो गया, कुम्हार के द्वारा बनाए हुए बर्तनों का प्रयोग करने लगे थे। रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में इससे संबंधित अवशेष मिले हैं। इसके पश्चात आता है कि छोटा नागपुर काल में इस दौरान नवपाषाणकालीन हस्तकुठार मिला है। नवपाषाण काल को तीन भागों में बांटते हैं, ताम्रपाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। तो ताम्रपाषाण युग का मतलब है जिस काल में हड़प्पा का तीनों काल मिलता है, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा के पश्चात का काल, तीनों काल का यहाँ पर दिखता है। इस दौरान पत्थर और तांबा के औजार बनाए जाने लगे थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले तांबा को ही, तांबा धातु का ही खोज किया था या प्रयोग किया था। उसके पश्चात यहाँ के जो असुर बिरजिया जनजाति था वो लोग तांबा गलाने की प्रक्रिया में निपुण थे, उनके औजार बनाने में निपुण थे। और सिंहभूम इसका केंद्र बिंदु था, सिंहभूम का क्षेत्र जो था वह इसका मुख्य केंद्र था। इसके पश्चात आता है जो तांबा की कुल्हाड़ी है, हजारीबाग में मिला था। हजारीबाग के एक जगह है पहाड़ गांडा, उसमें 49 खादान मिले हैं जो कि आपके तांबे से रिलेटेड है। कांस्य युग के बारे में बताया कि कांसा कैसे बनाया जाता है, तो तांबा और टीना को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इसमें भी असुर और बिरजिया जो जनजाति थे वे लोग कांसा को बनाने में दक्ष थे और उन्होंने इससे औजार बनाना चालू किया, और इसे ही कांस्य औजारों का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है, ऐसा माना जाता है। लौह युग का बात करेंगे, लौह युग में लोहे से निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इस काल में लोहे से निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाता था और झारखंड के जो निर्मित लोह औजार था उसे मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं में भी इसकी सप्लाई की जाती थी। इस प्रकार से जो झारखंड की अद ऐतिहासिक कालीन जो पृष्ठभूमि है उस बारे में हमने बात कर ली। इसके पश्चात हम अद ऐतिहासिक के बाद जो कुछ स्थानों के नाम हैं, जो डाटा आपको कहीं भी मिल जाएंगे, उस बारे में मैं ज़्यादा बात करके आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि वह डाटा आपको रटनी है कि कहां से क्या मिला था और किस प्रकार के औजार या जो वहां के है अगर बोलेंगे तो मैं उसका डाटा का जो लिंक है या जो पीडीएफ है उसे मैं आपके
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो उसे वहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो इस बारे में आपने ऐतिहासिक काल जो है उस बारे में पढ़ दिया। इसके पास पश्चात हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला चैप्टर, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू आपकी पढ़ाई जो है वह 3 ट्रैक में जा रही है। अभी भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है इसके, और झारखंड का इतिहास भी चल रहा है सेकंड पेपर का, और करंट सेक्शन भी आपका चल रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।